आदमी था, पल्सर से था, बिना प्लेट नंबर था। माल देने के बहाने वो गोली सटा दिया पेट में, बोला कि बोलेगा तो हम मार देंगे। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, सुपौल जिला में लगातार यानी आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में सुपौल वासी काफी परेशान हो गए हैं। जिस तरह से एक पे एक आपराधिक घटनाएं हो रही है, कभी हत्या का मामला सामने आता है तो कभी छिनतौड़ी का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आता है कि आखिरकार सुपौल पुलिस को हुआ क्या है जो इस तरह से अपराधियों को खुलेआम में छोड़ रखा है, जिसकी वजह से सुपौल वासी परेशान हो गए हैं। जरा देखिए एक बार इस वीडियो में। मेरे से 50-60 हज़ार रुपये छीन लिया, बंदूक दिखा के पेट में सटा दिया था और जेबी में से 500 रुपये भी ले लिया था। टोटल था मेरा खर्च भैया। कितने आदमी था वो? वो दो आदमी था, पल्सर से था, बिना प्लेट नंबर था। बैग सहित लेके चला गया और गाली गलौज भी किया और भाग गया, बोला कि कुछ बोलेगा तो मार देंगे। कौन सा कलर का गाड़ी था? ब्लैक कलर का 125 सीसी का पल्सर था। तुम लोगों को रोका बीच में? क्या बीच में रोका? बोला कि हम माल लेंगे। माल देने के बहाने वो गोली सटा दिया पेट में, बोला कि बोलेगा तो हम मार देंगे सीधा जान से। आदमी को पहचानते हो? कौन सा जगह का पहचानते हैं? कौन सा जगह घटना हुआ? यहीं पे घटना हुआ। कौन सा जगह? घर की चौराहा है। तो आपने देखा इस वीडियो में, दरअसल मामला है सुपौल जिला का, जहां पर एक पेप्सी ठंडा के पिकअप वैन को दो अपराधियों ने रोका है। जी हां, दो अपराधी ब्लैक पल्सर से आते हैं और ठंडा लेने के बहाने से पिकअप वैन को रोकते हैं और उसके बाद उनसे 60,000 रुपए की छिनतौड़ी करते हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि 60,000 रुपए की छिनतौड़ी हुई है। प्लस ये मामला जब थाना तक पहुंचा तो थाना के पुलिस विवेक कुमार सिन्हा घटना स्थान पर पहुंचे और मामले की पूरी छानबीन में लग गए कि आखिरकार इस तरह के मामले क्यों हो रहे। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिरकार लगातार इस हफ्ते में ये दूसरी बड़ी घटना है जहां पर अभी भी कुछ टाइम पहले ही दो लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। और अब एक सबसे बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है जो 60,000 रुपए की छिनतौड़ी हुई है। अभी तक बताया जा रहा है कि लोग तो ठीक है जिन लोगों से छिनतौड़ी हुई है, लेकिन पैसा छीन गया है। जी हां, आपको बता दें कि सुपौल जिला को अभी लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपराधियों का अड्डा बन गया है। जी हां, सारे अपराधी वहां पर पनप रहे हैं और लगातार एक पे एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।